हेलो गाइस, वेलकम बैक मानी वीडियो। तो गाइस, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे स्पैम कॉल को आप कैसे बंद कर सकते हैं, इस वीडियो में ही बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब तक दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल में स्पैम कॉल को रिसीव करना बंद नहीं करेंगे, आप कितना और सेटिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आपको मोबाइल स्पैम कॉल आएगा। तो दोस्तों, स्पैम कॉल को रोकने का बस एक ही तरीका है, अगर आपको मोबाइल में आता है तो रिसीव मत करेंगे। आप जब रिसीव नहीं करेंगे 100% दोस्तों देखेंगे एक दिन में दोस्तों एक भी नहीं आएगा, हो सकता है दो दिन, चार दिन, एक हफ्ता बाद आए। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या करते हो, स्पैम कॉल रिसीव कर लेते हो और बोलते हो कि कैसा वीडियो बना रहा है, स्पैम कॉल फिर भी आ रहा है। तो दोस्तों अभी कल एक सब क्या आपने कमेंट किया, सर मैंने स्पैम कॉल को रिसीव कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कमेंट किया, सर मैंने स्पैम कॉल रिसीव कर लिया, अब क्या होगा। तो दोस्तों बताइए मैं क्या करूँ, मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, मैं बहुत वीडियो में बोलता भी हूँ कि आप लोग स्पैम कॉल को रिसीव मत करिए, रिसीव मत करिए, रिसीव मत करिए, नहीं तो दोस्तों आप कुमार में स्पैम कॉल अलग अलग नंबर से आएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कुमार में आ रहा है तो आप लोग क्या करना है, स्पैम कॉल को रिसीव मत करें। जब रिसीव नहीं करेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे एक हफ्ते में चार दिन पे एक दो आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कुमार स्पैम कॉल आता है तो उस स्पैम कॉल को रिसीव मत करिए। बस दोस्तों एक ही तरीका है, मैं कितना वीडियो बना लूँगा कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप लोग स्पैम कॉल को रिसीव करना बंद नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको मालूम कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।